चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन गली महल्ले की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बनी हो, अब आप पिछले 5 साल में तो कोई बनी नहीं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए भाजपा यहाँ बिल्कुल फेल है। मुद्दे तो सभी जगह के हैं, सड़कें भी हैं, पानी भी है। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला बागपत के बड़ौद शहर में हैं। आपको पता होगा कि अभी यूपी में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव 4 मई को वोटिंग डल चुकी है। सेकंड फेज के चुनाव हो गया के जो कि बागपत भी सेकंड फेज में आता है। तो यहाँ से अगर बड़ौद, मैं आपको बता दूँ, बड़ौद नगर पालिका परिषद से अभी जो चेयरमैन थे फिलहाल वो अमित जी थे, इस बार बीजेपी से, और इस बार सुधीर मान को बीजेपी से टिकट दिया गया है और रालोद गठबंधन से अश्वनी तोमर जी को टिकट दिया गया है। हम अभी बड़ौद शहर में हैं और हम अभी गुराना रोड पर है, ये बड़ौद का गुराना रोड है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बार उनकी इस चुनाव को लेकर क्या राय बन रही है। जी जी सर, आपका नाम? राजीव। आपका नाम? राजीव सेन। अच्छा राजीव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है बड़ौद शहर में? बड़ौद में तो टक्कर है जी। अच्छा, किस किस के बीच आपको टक्कर नज़र आ रही है? लोकदल और बीजेपी के बीच है। अच्छा, अभी हाल ही में जो यहाँ पे से चेयरमैन थे वो कौन थे, थोड़ा सा उसके बारे में बता। अमित राणा थे, दुष्यंत तोमर। अच्छा, तो अभी जैसे उनका चुनाव रहा तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा, किस तरह की उन्होंने बड़ौद में? यहाँ तो काम करवाया उसने, ठीक था, व्यवहारिक आदमी था, बढ़िया, सब मंदिरों में सब मैं जाता था, बढ़िया, सबसे दुआ सलाम रखा था, ठीक था काम। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि बड़ौद शहर में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वैसे तो पूर्व चेयरमैन जितने भी हुए यहाँ ज़्यादातर ठीक काम कर रखा, गली नाली सड़क बड़ौंचे जितने भी है, लाइट वाइट। जी, आपका नाम? ब्रह्मपाल सिंह। अच्छा बीरप्पाल जी, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? ठीक है माहौल, दोनों पार्टी लग रही है अपना अपना। अच्छा, वजन तोल रहे, किसका वजन ज़्यादा निकलेगा? नहीं, वजन तो तुल ही रहा है, लेकिन एक काम करवाने की अक्षमता है भाई, हमारे काम जो समस्या है हम लोगों की, ये समस्या पूरी होने लग रही है लगातार। आपका नाम? राजीव पांचाल जी। अच्छा राजीव पांचाल जी, चुनाव है नगर निकाय के, तो इस बार क्या लग रहा है बड़ौद में किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पर तो बीजेपी ही है पहले से ही। अच्छा, उनमें पहले पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने भी अच्छा काम करा, अदरवाइज ये दोबारा चेयरमैन को दोबारा टिकट मिला, कोशिश रहेगी भी अच्छा काम कराए, इनको ही ऊपर भी बीजेपी है नीचे भी है, इससे ही है थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा, विकास होगा बड़ौद का या और भी शहर का जहाँ जहाँ पे है। अच्छा, देखा जाता है कि आम जो लोगों की जो ज़रूरतें होती है जैसे कस्बे में, एक पार्क और स्टेडियम की किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं, स्टेडियम वगैरह? सुविधा एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, छोटा कस्बा है, अदरवाइज कोई चेयरमैन चाहेगा कोशिश करेंगे, जैसा कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी है, तो ये कोशिश करेंगे, इन्हें कहे जाएगा उस पर ये फॉलो करेंगे, अगर ये फॉलो करेंगे तो ठीक है, छोटा पार्क हो या बच्चों के लिए कुछ ऐसा खेलने के लिए हो, उससे अदरवाइज और अच्छा होगा। चुनाव है, आपका नाम? सुभाष। नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं तो उसमें किस तरीके से आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो आने चाहिए उसमें निकल गए, कौन से मुद्दे आपके हिसाब से वो है? मुद्दे तो सभी जगह के हैं, सड़कें भी हैं, पानी भी है, आते जाते, और लड़कियों को हमारी पढ़ने वाले बच्चों को जो है तिरस्कार किया जाता है, उनके ऊपर भी थोड़ा तनाव ना रहे, इस किस्म का कानून चलना चाहिए, कोई नेता ऐसा सामने आए कि जिससे कि सारे ही विभाग, पुलिस भी, नगर पालिका भी, सब के सब सचेत रहें, ऐसा सब। बता दीजिए आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र है। अच्छा विजेंद्र जी, चुनाव है तो किसका माहौल यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है? भाई माहौल तो ऐसा है, रालोद का ही ज़्यादा बेहतर माहौल है आज की तारीख में, तो अगर देखा जाए तो अश्विनी के भी नहीं होने की ज़्यादा संभावना। तो क्या विधानसभा का फर्क पड़ रहा है या किस, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर यहाँ से बीजेपी ही जीतती आई है, तो क्या इस बार विधानसभा और लोकसभा का असर इस चुनाव में पड़ेगा कुछ? नहीं नहीं, विधानसभा का या लोकसभा का कोई असर नहीं है, दोनों ठीक बढ़िया मतलब जो है लीडर हैं। दरअसल ये टिकट जो परिवर्तन हुआ, जिसे टिकट दिया गया उसकी छवि या उसे लोग कम जाने बीजेपी से अगर
राणा जी को टिकट दिया जाता तो वे मतलब जो है स्थिति अलग होती इलेक्शन। नमस्कार जी, जी आपका नाम? वीरेंद्र तोमर। अच्छा वीरेंद्र तोमर जी, नगर निकाय के चुनाव हैं, सभी पार्टियां अपनी तरीके से जो है कैंडिडेट उम्मीदवार उतार रही है, तो इस बार यहाँ पे बड़ौत में क्या होगा क्योंकि पिछले दो योजनाओं से बीजेपी यहाँ पे है? देखिए वार्ड में तो स्वामी दिख रहा है सूरज उगेगा और ऊपर जो है नलका पानी देगा और नलका पानी देगा सूरज खिलेगा, दोनों काम होंगे, नलका जीतेगा घनी बोटू तो जीतेगा। अच्छा देखा जाए कि नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए, आम जो लोगों को जो दिक्कतें होती है क्या चीज़ें सामने आनी चाहिए? नगर निकाय में हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, झूठ और सच के मुद्दे उठने चाहिए। जैसे झूठ बोल करके भाजपा पार्टी झूठ बोलती है कि बिजली का बिल फ्री कर देंगे और ऊपर से फैन कहते हैं मीटर लगवा लो, जब बिजली का बिल फ्री कर देंगे तो देश का नाश क्यों करा जा रहा है कि भाई इतने बड़ा खर्चा करा जाए कि भाई बिजली के मीटर लगाए जाएं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए भाजपा यहाँ बिल्कुल फेल है, यहाँ यानी पूरे देश में फेल है। एक काम बढ़िया भाजपा का है, अब जो आतंकवादियों को जो गुंडों को मार रही है लेकिन उसमें भेदभाव कर रही है, अगर यह इस भेदभाव को छोड़ करके सबका साथ सबका विकास लेकर चले तो भाजपा सारे देश में आ सकती है। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि इनके अपने जो गुंडे हैं उनको बचाती है, दूसरे वाले गुंडों को मारती है। अभी जैसे ब्रिजभूषण के लिए भी ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने पर बहुत सारे पहलवान बैठे हुए हैं वहाँ पर, यह जो है सबसे बड़ा दुख हमारे लिए इसलिए है कि हम जाट जाति को बिलोंग करते हैं और जिस दिन वे मेडल लेकर आते हैं उस दिन वे भारतवासी हो जाते हैं, और आज इससे बड़ी विडम्बना और कुछ नहीं हो सकती। अब जो वे भारतवासी जो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में नाम करके लेकर गए और उन्हीं लोगों को धरने पर बैठना पड़ गया तो आम आदमी का तो फांसी लगेगी, आम आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज उन्हें जाट बताने लगे, उस दिन उनको जो है वे भारतीय थे, तो ये एक जाति विशेष को टारगेट करना इस भाजपा सरकार को नुकसानदायक रहेगा। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, चुनाव है नगर निकाय का, चुनाव हो रहे हैं तो इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है आपका? ऑलरेडी जीते जी। अच्छा लेकिन यहाँ से तो अभी चेयरमैन जो है बीजेपी से अमित राणा जीते, उनका कार्यकाल कैसा रहा, किस तरह की उन्होंने कसबे? अमित राणा का बहुत बेहतरीन काम करा अमित राणा ने, जो भी करा बहुत अच्छा करा। फिलहाल अब अमित राणा ना मलिक साहब आए, मलिक साहब भी चेयरमैन भी रह चुके हैं, मलिक साहब भी बहुत अच्छा आदमी थे। अश्वनी तोमर मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब। जी भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद शिवान। अच्छा जी चुनाव है नगर निकाय के तो इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है बड़ौत में? माहौल तो गठबंधन का नज़र आ रहा है। अच्छा। अच्छा जो अभी जो चेयरमैन थे उन्होंने किस तरह के यहाँ पे काम किए हैं नहीं किए हैं, साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है बड़ौत में? साफ सफाई ठीक है, कुछ खास वैसा काम नहीं हुआ, बाकी बाजार की सड़क बनी है, काम हुआ है बस, और कोई फिलहाल नज़र में कोई काम ऐसा है नहीं जो हुआ। सफाई अच्छी है, सफाई रहती है, रोजाना झाड़ू लगती है बाजार में भी और गली महल में। अच्छा नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसके क्या मुद्दे आपको लगता है कि आम आदमी के ये मुद्दे जो है चुनाव में उठने चाहिए नगर निकाय के चुनाव में? मुद्दा ये होना चाहिए तो गली में और जो गली की सड़कें हैं गली महलों की वो मज़बूत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि गली महल की सड़कें जो है बाजार की तो बनी है लेकिन गली महल की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बनी हो, अब पिछले 5 साल में तो कोई बनी नहीं, और बाकी जो गवर्नमेंट के अंडर जो DM के अंडर काम है वो हुए हैं, बाकी जो चेयरमैन के अंडर के काम है वो नहीं हुए, ना ही मेंबरों ने कुछ ज़्यादा खास काम करवाए हैं निकाय में। मेन मुद्दा तो यही है, एक निकासी का मुद्दा हमारे यहाँ बहुत है, पानी जो है जल भराव बहुत होता है यहाँ पे, जैसे बारिश होगी तो पानी यहाँ तक बढ़ जाता है, दुकान बंद करनी पड़ जाती है, तो एक ये बहुत अहम मुद्दा है कि जो पानी की निकासी वो नहीं होती है, ये सबसे अहम मुद्दा है बाजार का, बाकी महलों में पानी की निकासी ठीक है। भाई साहब आपका नाम? तीसरे जी। अतीश है, अतीश है। अच्छा अतीश, चुनाव है बड़ौत में तो क्या नज़र आ रहा है इस बार चुनाव? अश्विनी जी का है जी। जी अश्विनी तोमर। अच्छा क्यों आपको लग रहा है कि वो जीतेंगे, क्या आपकी उम्मीद है उनसे? आपकी बार RLD का मौका देना चाहिए। अच्छा आपकी बार उनका रुझान ज़्यादा है। अच्छा आपके क्या मुद्दे हैं कि हमारे जो समस्याओं पर इन चीज़ों पर यहाँ पर जो है बड़ौत में ध्यान देना चाहिए कि हमारी ये समस्या? रोड है और ऊपर से लाइट वाइट, ये देखो ये तार बिखरे रहते हैं, इनकी को नहीं है पार्किंग की, मेन यहाँ पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्या है, मेन तो यही है। जी भाई साहब आपका नाम? हाँ जी। नाम आपका? अनिल जैन।
अच्छा अनिल जैन जी, चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है आपके मुद्दों पर कौन खरा उतर रहा है इस बार? देखो जी, मुद्दे तो जो हैं भाजपा ने पूरे करे जी, हमारे यहाँ के क्षेत्र के, और इधर हमारे दिल्ली से जैसे आने में दिक्कत थी, हमें दो दो तीन तीन घंटे लग जाते थे, अब एक सवा घंटे में हम आ जाते हैं, तो मुद्दे तो भाजपा ही साथ हैं। अच्छा, लेकिन चेयरमैनी में तो लोकल जो हम सड़कें देखे वो काफ़ी टूटी हुई रहती है, और कूड़ा कटकट जो होता है, पानी भरने की समस्या रहती है, क्या उन पर यहाँ पर बड़ौत में कुछ काम हुआ है? पानी के लिए तो जी जो ये नाले बने हैं, नाले के लिए बरगज है आगे जाके, चेयरमैन साहब ने पूरा करवा रखा है काम भी, और पानी तो पहले से ही भरता है, तो जब पानी ज़्यादा आएगा तो निकासी इतनी होती नहीं एकदम, तो पानी तो थोड़ा बहुत भरेगा ही, लेकिन जल्दी निकल जाता है पानी। अब पहले ऐसे नहीं कि पहले दो चार घंटे पानी थम रहा, ऐसा नहीं है, अब आध घंटे में पौन घंटे पानी निकल जाता है। हम अभी जिला बागपत के बड़ोस शहर में थे, यहाँ पे हमने लोगों की अलग अलग जाके लोगों की राय जानी चुनाव के बारे में, तो सभी लोगों ने अपनी राय रखी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस बार मुद्दों पर बात होगी। जुड़े रहे इसी से, यूपी से आपसे खबर आती रहेगी। धन्यवाद।